ए दोस्त तुम किधर होती? हम साला अजमेर पार घूमने आती हबीबी। आधा ही चढ़ पाए, आधा भी नहीं, थोड़ा सा ही चढ़े हैं। और इस बिल्डिंग का क्या नाम है भाई? सीआर बिल्डिंग। ये सीआर बिल्डिंग है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी जो आप देख रहे हैं पीछे ये पहाड़ है और अभी हम इस पे चढ़ने वाले हैं। यहाँ से तो ऐसे छोटा दिख रहा होगा आप सभी को, पर जब इसके ऊपर चढ़ने का बारी आता है तो लगभग 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। देखो चारों तरफ जो है ना पत्थर ही पत्थर है। तो हम लोग को कहाँ पहुँचना है भाई? यहाँ ये देखो रास्ता है ना, इधर हम लोग निकल रहे हैं दोनों भाई, साथ में मामू राइडर रब्बानी लोग भी निकल रहे हैं। तो अभी वहाँ चलते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं वहाँ से अजमेर का नज़ारा। इनसे चढ़ाई शुरू हो चुकी है, अभी तो ये रोड बना हुआ है पर आगे कोई रोड नहीं मिलने वाला है। कैद भाई जो है रहवर बने हुए हैं और हम पानी ले चुके हैं भैया फ्रिज वाला ठंडा, चाहे कि चढ़ने में भैया हालत ख़राब होने वाली है, सांस रुकने वाली है। तो अभी बहुत ही धमाकेदार फर्स्ट जर्नी होने वाला है। अभी सबसे पहला दिन आज हम लोग का अजमेर में आने का हुआ है और पहले ही चैलेंज लिए हैं पहाड़ पे चढ़ने का। तो देखते हैं कितना ऊपर चढ़ पाते हैं या नहीं चढ़ पाते हैं, वहाँ से कैसा पॉइंट दिखेगा। सब डिटेल्स में देखने के लिए आप लोग ब्लॉग में बने रहो भाई। और जैद भाई शेयर वेयर करने बोल दो भाई, और हमारे भाई बोल रहे हैं भाई लाइक करो शेयर करो। तो दिखाते हैं आपको आगे जो इलाका है, बहुत ही ख़तरनाक है और यहाँ जंगली जानवर रहने के भी उम्मीद होते हैं। और जंगली जानवर से तात्पर्य ये है कि भैया ये कांटेदार रास्ता है, इसमें बहुत ही सावधानी पूर्वक चलना पड़ता है। और अभी हम लोग को चलना है वहाँ पहाड़ के चोटी पे, तो रास्ते में बहुत जोखिम भरा सफ़र आएगा, देखो पत्थरों से गुजरना पड़ेगा। तो अभी हम लोग को चलना है वहाँ पर, देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये देखो भाई पत्थर, सिर्फ पत्थर ही है, नहीं पत्थर नहीं। अभी अभी इतू सा चढ़े हैं, देखो यहाँ से शहर का नज़ारा। और जैद भाई के साथ साथ मेरा भी सांस फूलने लग गया है भाई इतू सा चढ़ाई में। तो गाइस अभी पहाड़ के कुछ करीब में आ चुके हैं हम लोग, देख सकते हैं। और यहाँ से जो शहर का नज़ारा है कुछ ऐसा है। अभी एक पीली बिल्डिंग यहाँ पर दिख रही होगी आपको, और इस बिल्डिंग का क्या नाम है भाई? सीआर बिल्डिंग। ये सीआर बिल्डिंग है। पूरे सिटी में जो है ना ऐसे कई ही बिल्डिंग दिखेंगे आपको जो ऊंची नजर आएंगी, नहीं तो पूरा एकदम नीचे। और यहाँ से देख सकते हैं ये जो नदी जैसा दिख रहा है, ये आना सागर है। कौन सा जगह का? आना सागर। तो भैया ये आना सागर दिख रहा है, जो कि हर एक कवाली में दिखाया जाता है कि पूरा पानी उसका एक कासे के बर्तन में आ जाता है, तो ये वही सागर है ना भाई। तो ये है हमारे जैद भाई। तो अभी और चढ़ते हैं पहाड़ और दिखाते हैं आप लोग को। अभी भी पूरा दिख रहा है पर उतना क्लियर नहीं, और ऊंचे ऊंचाई से जाके दिखाएंगे आपको, तब कैसा लगेगा तब देखना भाई। ठीक चलो ऐसा ही चढ़े हैं, अभी ये पूरा चढ़ना है, आइए। ए दोस्त तुम किधर होती? हम साला अजमेर पार घूमने आती हबीबी। ये देखो पूरा डरावना भाई, अगर पैर पिछला तो भाई गए नीचे। ये देखो कितने कांटे हैं इस पे, और इससे बच बच के जाना पड़ता है। दोस्तों फाइनली आधा पहाड़ चढ़ने के बाद जो है सांस के साथ साथ हौसला भी टूट गया है। और देख सकते हैं आप सब यहाँ से सिटी का नज़ारा, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके तब जाके आपको कुछ छोटे छोटे घर नजर आएंगे, देख सकते हो। और यहाँ पर देखिए, हाय ब्रो, ओ ब्रो ब्रो हाय ब्रो। अभी हम बहुत ही खतरनाक जगह से जाने वाले हैं, यहाँ देखो, यहाँ से होके ऐसे निकलने वाले हैं। हम जो है ये देखो सब उधर से चल रहे हैं और हम इधर से, भाई बहुत खतरनाक है भाई। ये देखो
और चरना वहां तक है हम लोग को बिल्कुल भाई। हल्का हल्का धूप पड़ो, हवा चलूंगा भाई। रे ये देखो, ए रुको रुको रुको, ना हिलो गाइस, अबे ना हिलो तू भाई। ये देखो यहाँ पे देखो रास्ता है, हाँ रास्ता है भाई।